Hello everyone, welcome to Unlock Science. So today we are taking the next topic of complex numbers, that is modulus and conjugate of a complex number. ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि modulus क्या होता है. Modulus is nothing but a non-negative real number. ठीक है, non-negative real number whose value is equals to x square plus y square. ठीक, अब ये x और y क्या है? अगर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई सपोज, ठीक है, तो ये जो आपका x स्क्वायर और y स्क्वायर का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, वैसे ही अगर हम देखें कि कॉन्जुगेट क्या होता है, तो कॉन्जुगेट के लिए हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि अगर एक हमने नंबर लिया z1, इसको हमने दे दिया क्रेडेंशियल्स a प्लस आई बी. ठीक है, इट इज नंबर a प्लस आई बी. अब अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया है एक ऐसे नंबर से जिससे कि ये जो दोनों का प्रोडक्ट निकल आएगा, जो दोनों का प्रोडक्ट निकल के आएगा, दैट विल ऑलवेज बी अ रियल नंबर. ठीक है, क्या कहा गया है? दो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो जाएंगे या z कॉन्जुगेट ऐसा भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा जो कि ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई होने पे हमें क्या देगा? एक रियल नंबर प्रोवाइड करेगा. ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं क्या करना पड़ेगा हमें. ठीक, लेट अस से कि z इज इक्वल टू a प्लस ib है, तो उसके लिए जो हमेशा z बार होगा या z कॉन्जुगेट होगा, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू a माइनस ib. ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है. ठीक, सो इफ वी सी a प्लस ib multiplied with a minus ib, so we are getting the value as a square. We are multiplying a square, then a ib minus a ib and minus of i square b. ठीक, कुछ ऐसा expression हमारे पास आएगा. simple, दो complex numbers का multiplication है, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है. अब ये जो दोनों टर्म्स है ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गए. i स्क्वायर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था, पावर ऑफ i वाली वीडियो को अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आपको i बटन दिख रहा होगा, आप वहां से रेफरेंस ले सकते हैं. सो मीनवाइल i स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस वन, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया कि कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जो कि उस नंबर में मल्टीप्लाई करने पे हमें एक रियल वैल्यू दे. ठीक है, अब देखते हैं कि मॉडुलस और कॉन्जुगेट में आपस में क्या रिलेशन होता है. तो यहां पे हम देख रहे हैं कि ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करने में हमें हेल्प करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि एक मान लेते हैं कि एक टर्म ले लेते हैं हम लोग, z1 is a plus ib, जैसे कि लेते आए हम लोग, और z2 को कर लेते हैं c plus id. ठीक है, तो मैं एक ही आपको सॉल्व करके एक्सप्लेन नहीं करूंगा, यू कैन ट्राई इट एंड सेंड इट अस. तो जैसे कि अभी तक हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वैसे ही हम लोग मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि एक टर्म आपको z1 z2 दिख रहा है, तो z1 को मान लेते हैं हम लोग a प्लस आई बी. ठीक, एंड z2 को मान लेते हैं c प्लस आई डी. ठीक है, तो यहां ये क्या कह रहा है कि इफ यू आर मल्टीप्लाइंग z1 z2 फर्स्ट, ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होता है, एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, उसका जो आपका मॉडुलस होगा दैट विल बी इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल मॉड्यूलर. ठीक है, मतलब कि जो z1 और z2 का जो भी प्रोडक्ट आएगा उसका अगर आप मॉड्यूलस निकालें, और अगर z1 का इंडिविजुअल मॉड्यूलस और z2 का इंडिविजुअल मॉड्यूलस निकाल के भी उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों का रिजल्ट क्या होगा? सेम होगा. ठीक है, सेम गोज फॉर डिविजन ऑल्सो. जैसे कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के डिविजन में पढ़ा था कि इफ वी डिवाइड अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर वी विल ऑलवेज गेट अ न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर. तो इन दोनों के डिवीजन के बाद जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है उसका अगर हम उस स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू द
इंडिविजुअल मॉडुलाय डिवाइडेड बाय ईच अदर, ठीक है। जेड वन का मॉडुलस और जेड टू का मॉडुलस अगर आपने डिवाइड कर दिया तो भी आपको आउटपुट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, ठीक। अभी आते हैं हम लोग किस पे, कॉन्जुगेट्स पे। तो कॉन्जुगेट में हमें क्या बता रहा है कि कॉन्जुगेट में अगर आपने पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया एंड देन यू आर टेकिंग होल कॉन्जुगेट, दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल कॉन्जुगेट्स ऑफ बोथ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स विच आर ए प्लस आई बी एंड सी प्लस आई डी, ठीक है। दीज आर जस्ट फॉर एग्जाम्पल्स, इन क्वेश्चन यू विल बी गेटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज लाइक 3 + 4i या 7 - i, जो भी आपको क्वेश्चन में वैल्यूज मिलती है। देन जेड वन प्लस जेड टू और प्लस माइनस दे रखा है, तो अगर आप एड कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, अगर इन दोनों को एड करने पे हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, उसका अगर आप कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं एंड देन यू आर इंडिविजुअली कैलकुलेटिंग द कॉन्जुगेट्स ऑफ जेड वन एंड जेड टू, देन बोथ द आउटपुट्स विल बी सेम, ठीक है। दोनों के आपने क्या निकाले, कॉन्जुगेट्स निकाले और उनको एड या सबट्रैक्ट जो भी दिया होगा यहाँ पे उस हिसाब से कर लेंगे हम लोग, ठीक है। लास्ट इज द प्रॉपर्टी कि अगर जेड वन बाय जेड टू एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों ने बनाया, उसका हमने होल कॉन्जुगेट लिया, दैट विल बी इक्वल्स टू द डिविजन ऑफ इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्जुगेट, ठीक है। ये इसका कॉन्जुगेट जो भी आ रहा है, इसका कॉन्जुगेट जो भी आ रहा है, जब आप इन दोनों को इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे तो इस नए कॉम्प्लेक्स नंबर, जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिला होगा, इसके कॉन्जुगेट के इक्वल मिला होगा। ओके, सो नाउ लेट्स स्टडी द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जब मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इंट्रोड्यूस कर रहा था, अगर आप फर्स्ट वीडियो को देखेंगे जिसका यहाँ पे अभी आई बटन फ्लैश हो रहा होगा, तो उसमें आप ये देखेंगे कि मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी एक पेन में समझा रखा था। बट अभी हम लोग क्या करेंगे, जो z इज इक्वल्स टू ए प्लस आई भी करते थे, अब इसका एक नया वे ऑफ प्रेजेंटेशन सीखेंगे जो कि उसी ग्राफ पैटर्न पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेट अस से कि ये एक एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, इसको आप आर्गेंट प्लेन भी कहते हैं, आप बुक्स वगैरह में अपने देखेंगे तो आपको आर्गेंट प्लेन भी दिखेगा, ठीक। इसमें यहाँ पे कुछ ऐसे वैल्यूज हो गई हमारी और कुछ यहाँ पे ऐसे वैल्यूज हो गई, ठीक। सिमिलरली नेगेटिव साइड्स पे भी आपके पास ये कुछ वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं कि हमारा कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि ए प्लस आई बी है, सो लेट अस से कि ए कुछ आपका यहाँ पे प्लॉट हो रहा है एंड बी आपका कुछ यहाँ पे प्लॉट हो रहा है, ठीक। तो अगर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट फॉर्म में प्रेजेंट करना है तो वो कुछ ऐसे प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, आई होप यू ऑल रिमेम्बर दैट थिंग। तो मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम हमने क्या दे रखा है, जेड, तो इस पॉइंट को हमने जेड बोल दिया और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, ए कॉमा बी, ठीक है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट देन वाई कोऑर्डिनेट, तो ये आपका क्या हो गया, ए कॉमा बी हो गया। अब मैंने कहा कि अगर ओरिजिन से हमने एक ऐसे करके वेक्टर बना दिया या एक लाइन बना दी लेटर से, तो इसकी लेंथ क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये लेंथ बी है तो ये भी बी हो जाएगी यहां से लेके यहां तक आपकी एक्स एक्सिस तक, एंड सिमिलरली ये लेंथ आपकी कितनी है, ए ऑलरेडी हमें पता है, सॉरी इट विल बी टिल हेयर, ठीक, ये ए यूनिट्स की लेंथ है। तो अगर मैंने आपसे कहा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम हमें लगाना है, तो आर की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, आर की वैल्यू जो होगी दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये कुछ देखा देखा लग रहा है, मॉडुलस, यस, मॉडुलस की जो वैल्यू होती है वो आपकी यही होगी, ठीक। अब मैंने आपसे कहा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये हमने आर से रिप्रेजेंट कर दिया, ये सारे टर्म्स अब हमने क्या कर दिए, रिमूव कर दिए कि ये बी है या ए है, ये हमें कुछ नहीं पता है, ठीक। अब एक नया टर्म कॉइन किया गया, एक नई चीज कॉइन करी जो कि हो गया थीटा, दैट इज द इंक्लिनेशन ऑफ दिस लाइन और द लाइन विच इज ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, वो इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस से कितना है, ठीक। तो अगर बेसिक रिजोल्यूशन ऑफ कॉम्पोनेंट्स हमें देखना है तो क्या होगा, जिस तरफ थीटा होता है या एक्स एक्सिस पे यूजुअली हम क्या प्लॉट करते हैं, आर टाइम्स ऑफ कॉस थीटा, ठीक। सिमिलरली अगर हमें ये वर्टिकल वाली लाइन देखनी है तो ये आपकी लाइन क्या हो जाएगी, आर टाइम्स ऑफ साइन थीटा, ठीक है। तो जो अभी आपकी आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा आई है, ये वैल्यू किसके किसके इक्वल होगी, दिस इज अल्टीमेटली इक्वल्स टू ए एंड दिस इज अल्टीमेटली इक्वल्स टू बी, ठीक।
तो जैसा कि मैंने कहा था कि इसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन अब चेंज हो जाएगा, तो हम लोग ए और बी की ये वैल्यूज को अभी यहां पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो जेड विल नाउ बी इक्वल्स टू आर ए इज आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा. ठीक है, अब अगर मैं आर और आर को कॉमन ले लूं तो हमारा जो फाइनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो क्या होगा, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. ठीक, सो दिस इज योर पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो नाउ लेट अस टेक अ क्वेश्चन जिससे आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आ जाए. द क्वेश्चन सेज दैट जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आई रूट 3. ठीक है, इसका कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन बनेगा. हमसे कहा गया है कि ये तो अपने कन्वेंशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, इसको हमें पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, तो पोलर फॉर्म हमारा क्या होता है, जेड इज इक्वल टू आर, ओके, देन आर, सॉरी, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. ओके, कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा. अब अगर हम इस r को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, r cos थीटा प्लस i टाइम्स ऑफ r sin थीटा. ठीक है, अब जो आपका ये वाला टर्म है और ये वाला टर्म है, ये किसके किसके इक्वल होगा, a प्लस ib के फॉर्म में. ठीक है, तो मैंने ये कहा कि फर्स्ट इक्वेशन सेज दैट r cos थीटा इज इक्वल्स टू 1, ओके, एंड r sin थीटा विल नाउ बी इक्वल्स टू अंडर रूट 3. ठीक है, ये हमारे पास दो इक्वेशंस हमें मिल गई हैं. अब अगर हमको r कैलकुलेट करना है तो r क्या होता है, मैंने आपको बताया था r इज नथिंग बट द मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. तो देखिए अब यहाँ पे मॉडुलस का यूज आया ना आपके पास, तो मॉडुलस क्या हो जाएगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एक साइड में देख लेते हैं हम लोग. मॉडुलस विल बी अंडर रूट फर्स्ट कॉम्पोनेंट दैट इज अ रियल का स्क्वायर प्लस द इमेजिनरी का स्क्वायर. ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास, 1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 4 और 2. ठीक, तो आपके पास क्या आ रहा है, मॉडुलस 2 आ रहा है, दैट इज वैल्यू ऑफ r इज 2. ठीक, अच्छा ये हम इतना कर क्यों रहे हैं कि cos थीटा और sin थीटा को इक्वेट कर रहे हैं. देखिए सिंपली आपको ये समझ रहे हैं कि पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें r का मैग्नीट्यूड चाहिए और इस एंगल का मैग्नीट्यूड चाहिए. अगर हमारे पास cos थीटा और sin थीटा ये वैल्यूज एक रेशियो के फॉर्म में मिल जाएंगी तो डेफिनेटली हम कोई ना कोई उसका एंगल फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, तो r की वैल्यूज अभी हमें क्या मिली है, 2 मिली है. इसको अगर हम डिवाइड कर दें सो वी विल बी गेटिंग cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 एंड सिमिलरली sin थीटा विल बी इक्वल्स टू √3/2. अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाले चैप्टर में ये था, आपको याद होगा कि साइन की कौन सी वैल्यू, साइन थीटा की कौन सी वैल्यू √3/2 होती है, इट इज 60 डिग्री. सिमिलरली कॉस थीटा के लिए भी 60 डिग्री है. तो 60 डिग्री की वैल्यू जो होगी इन दोनों इक्वेशंस को हमारी क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है. ठीक है, सो वी कैन से दैट थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्रीज और इन द फॉर्म ऑफ रेडियंस इफ यू आर राइटिंग देन इट विल बी इक्वल्स टू π/3. ठीक, तो अभी हमें क्या क्या मिल गया, थीटा मिल गया और आर मिल गया. अभी क्या हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, यस डेफिनेटली वी कैन प्रेजेंट इट. सो योर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड विल नाउ बी इक्वल्स टू आर दैट इज 2 देन कॉस π/3. इट्स ऑल ऑन यू. अगर रेडियंस में पूछ रहे हैं तो आप रेडियंस में आंसर लिखिए, अगर डिग्रीज में पूछ रहे तो आप डिग्रीज में लिखिए. ठीक है, कॉस π/3 प्लस आई साइन π/3. ठीक है, दिस इज योर पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, सो वी आर ऑन द लास्ट टॉपिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स नाउ, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो आपने पहले भी पढ़ रखी हैं, बट एक उसमें कंडीशन आती थी अगर आपको याद हो कि जो b² - 4ac होता था अगर वो लेस देन 0 होता था तो हम क्या लिख देते थे उस केस में, That the roots are imaginary. ठीक, अब वो imaginary हम इसी complex numbers में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले तो श्रीधराचार्य formula के हिसाब से मान लेते हैं कि x एक equation ले लेते हैं सबसे पहले, that is ax² + bx + c = 0. Now according to श्रीधराचार्य formula x की क्या value होगी,
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओके डिवाइडेड बाय टू ए। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि ये वैल्यू जो है ये लेस देन जीरो है, दैट इज अल्टीमेटली कि नेगेटिव है। तो इमेजिनरी नंबर्स के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको क्या बताया था कि अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ रहा है देन इट इज एन इमेजिनरी नंबर। अब हमने क्या लिखा कि ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को पहले ही हमने यहां पे अलग से लिख लिया, दैट इज लेस देन जीरो। ठीक, अब अगर ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी सब नेगेटिव नंबर, तो अगर हम इससे माइनस वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट एन एक्सप्रेशन लाइक दिस, फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब यहां पे जो माइनस वन हमने कॉमन लिया है, ठीक इस एक्सप्रेशन से जो हमने माइनस वन को कॉमन लिया है वो हमने यहां पे अलग से लिख दिया। अब ये जो अंडर रूट ऑफ माइनस वन आ रहा है ये क्या होता है, इट इज नथिंग बट आयोटा, या फिर जो हम आई लेते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये वैल्यू आपकी हो जाएगी फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ आई। ठीक, अब अगर हम इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, लेट मी राइट हियर दैट फॉर इमेजिनरी रूट्स वी आर गेटिंग द वैल्यू एज माइनस बी प्लस माइनस आई अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। ठीक, इस केस में भी आपको x की दो वैल्यूज मिलेंगी जो कि अब की बार एक कॉम्प्लेक्स नंबर देंगी आपको। ठीक है, नाउ लेट अस डू अ क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक सो दैट यू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। तो ये हमारे पास बहुत सिंपल सी इक्वेशन लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो a की वैल्यू क्या है, 1 है, b की वैल्यू भी क्या है, 1 है, एंड c की वैल्यू भी क्या है, 1 है। ओके, अब अगर हम इसमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला का यूज करते हैं सो इट विल बी इक्वल टू माइनस बी यानी माइनस वन हो गया प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज वन का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी दैट इज फोर इंटू वन ओके एंड डिवाइडेड बाय टू टाइम्स ऑफ वन। ठीक, यही है आपका श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया आपकी वैल्यू माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वन, वन का स्क्वायर विल बी वन एंड वन माइनस फोर विल बी नाउ माइनस थ्री, ये आ गया माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टू मल्टीप्लाइड विद वन दैट इज टू। ठीक, अब आता है यहाँ पे हमारा इमेजिनरी रूट का कॉन्सेप्ट, माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट में क्या है आपके पास, माइनस वन भी है और थ्री है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं डिवाइड करके और ये टू हो गया। तो हम अगर इसको लिखते हैं माइनस वन प्लस माइनस, नाउ टेकिंग दिस अंडर रूट माइनस वन एज आई दैट इज आयोटा, ये आपका आई आ गया और यहाँ पे अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाय टू। ओके, सो वी हैव गॉट टू इमेजिनरी रूट्स एज द वैल्यू ऑफ एक्स बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन। ओके, सो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड दिस कंप्लीट सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब आगे हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे जो कि होगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अंटिल देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो फॉर द रिटन नोट्स ऑफ दिस स्पेसिफिक चैप्टर्स एंड ऑल अदर सब्जेक्ट्स यू कैन विजिट www.unlockscience.in एंड चेक द नोट्स देयर। थैंक यू।